हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह में आपके बॉडी में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं, आपके बेबी का ग्रोथ कितना हुआ है और इस सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के इस तीसरे सप्ताह में बिना यूपीटी या ब्लड टेस्ट किए भी हो सकता है आपका शरीर आपको प्रेगनेंसी के साइंस देना शुरू कर दे और आपको इस बात का अंदाजा लग जाए कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। इस हफ्ते तक आपके अंडे आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो चुके होंगे, पर ये अंडे अभी भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होते हैं। अभी 4-5 दिन बाद या इस सप्ताह के खत्म होते होते ये फर्टिलाइज एग आपके गर्भाशय के दीवारों से जुड़ जाएंगे। इसके बाद आपकी पीरियड्स मिस हो जाएगी और आप ऑफिशियली प्रेग्नेंट हो जाएंगी। बेबी को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने वाला प्लेसेंटा का विकास भी इसी सप्ताह से शुरू हो जाता है, जो आने वाले समय में विटामिंस मिनरल्स आपके शरीर से आपके खून के जरिए आपके बच्चे को देगा। अभी इस तीसरे सप्ताह में आपका बेबी सिर्फ एक रेत के दाने जितना या एक नमक के दाने जितना बड़ा होता है। आइए अब हम बात करते हैं इस हफ्ते में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। कुछ महिलाओं में इस सप्ताह में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पर आपको इस ब्लीडिंग से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो हमारा फर्टाइल एग हमारे गर्भाशय के दीवार से जुड़ जाता है। इसी प्रोसेस में कभी कभी योनि मार्ग से हल्का खून निकलता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। आमतौर पर ये ब्लीडिंग पीरियड्स के जैसे ही होते हैं, पर ये पीरियड्स की तरफ नहीं प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करते हैं। हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण इस हफ्ते से हो सकता है आपको मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया, वॉमिटिंग की तकलीफ होना शुरू हो जाए। इसके अलावा इस हफ्ते से हो सकता है आपको मूड स्विंग्स भी होने लगे। प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण महिलाएं इस सप्ताह से थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगती है, उन्हें अचानक से बहुत तेज गुस्सा आने लगता है या छोटी छोटी बात पर रोना आने लगता है। इसके अलावा आपको अभी कमजोरी और थकान की समस्या भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि ये सारी परेशानियां आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहने वाली है। ज्यादातर केसेस में जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी सेटल होने लगेगी ये सारे लक्षण अपने आप ही कम होने लगेंगे, पर 100 में से 1 या 2 महिलाओं में ये लक्षण पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको इसके लिए भी मेडिसिन दे देंगी जिससे प्रेगनेंसी का ये डिफिकल्ट फेज आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इस सप्ताह में आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी वो 5 चीजें हैं जिसका ध्यान आपको प्रेगनेंसी के इस तीसरे सप्ताह में रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस हफ्ते से ही पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भारी वजन उठाने से बचना चाहिए। भारी वजन उठाने से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने का खतरा होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रीमैच्योर डिलीवरी का रिस्क रहता है, इसलिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं। दूसरी जरूरी बात है, आपको अब से हैवी एक्सरसाइज करने से भी परहेज करना है, पर आप हल्के व्यायाम जरूर करें, इसके लिए आप सुबह शाम वॉक कर सकती हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, अभी से पूरी प्रेगनेंसी तक आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेने से ना सिर्फ बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है बल्कि बच्चे के विकास पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और जितना हो सके खुश रहना चाहिए। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आपको कोई नशा करने की आदत है तो आपको उसे भी जल्द से जल्द छोड़ देना है। अगर आपको शराब, सिगरेट या तंबाकू की आदत हो तो प्रेगनेंसी में आप इसे कंटिन्यू बिल्कुल ना रखें। अगर आप इसे प्रेगनेंसी के दौरान भी कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज या स्टिल बर्थ का खतरा भी हो सकता है। हमारा पांचवा और आखिरी टिप है, कुछ फल जैसे पपीता, अनानास खाने से भी आपको परहेज करना है। साथ ही आप कच्चे दूध, ज्यादा तेल, मसालेदार खाना, ज्यादा चाय, कॉफी का सेवन भी ना करें। इनके अत्यधिक सेवन से भी कभी कभी गर्भपात का खतरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करते ही या कंसीव करते ही आपको फॉलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना है। प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड के सेवन से बेबी का विकास अच्छे से होता है। यह आपके शरीर में RBC की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और
आपको प्रेगनेंसी में होने वाली खून की कमी यानी एनीमिया से भी बचाता है। इन सारी चीजों के अलावा अभी आपको अच्छी नींद लेनी है, सिर्फ रात में ही नहीं आपको दिन में भी थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अभी आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए आपको अभी पहले से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। इसके साथ ही आप हेल्दी डाइट लें और भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, इससे आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हेल्दी होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।